के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। राज्यपाल आनंदीबेन ने किया पढ़े गोरखपुर, टीबी उन्मूलन तथा भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डीएम ने बताया जिले के कार्यों से संतुष्ट हैं महामहिम राज्यपाल। डीडीयू में स्थित कुलाधिपति वाटिका में राज्यपाल ने किया पौधारोपण, विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राज्यपाल का एनसीसी कैडेटों ने किया स्वागत। गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाई गई हस्तनिर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया अवलोकन। स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश के लिए दिया 2,92,41,800 का चेक और ट्रैक्टर की चाबी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह का हुआ समापन, कुलाधिपति राज्यपाल के हाथों सम्मानित हुए टॉपर्स। राज्यपाल ने टॉपर से किया आह्वान, समाज को अपनी शिक्षा से पहुंचाएं लाभ। टीबी मरीजों को गोद लिए लोगों को राज्यपाल ने प्रेरणा पत्र से किया सम्मानित, कहा टीबी मरीजों के लिए आए अधिकारी, शिक्षक और समाज सेवी, 2025 तक देश को करें टीबी रोग से मुक्त। गोरखपुर विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती माह पर स्वच्छ भारत, सशक्त भारत, बापू के सपनों का भारत, आज का भारत पर डिजिटल प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित लगे हैं स्टॉल। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में पहली बार शामिल हुए परिषदीय विद्यालयों के छात्र। राज्यपाल ने छात्रों को दिए ज्ञानवर्धक पुस्तकें और बैग, कहा मेडल पाने वाले स्टूडेंट से प्रेरणा ले बच्चे, करें अपना भविष्य उज्ज्वल। रेलवे के निजीकरण के विरोध में नरमू ने निकाली रैली, कहा रेल कर्मचारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मेडल पाते ही खिले होनहारों के चेहरे, किसी ने सिविल सर्विसेज में तो कोई इंजीनियर, तो किसी ने प्रोफेसर बनने की जताई इच्छा। और DVNPG कॉलेज में आयोजित हुआ दीपावली उत्सव और परिचय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, छात्रों ने किया रंगारंग प्रस्तुति।